अगर आप एल जी के टी वी के अंदर फ्री चैनल देखना चाहते हैं विदाउट सेटअप बॉक्स, तो इसमें एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि अभी टी वी में अपडेट हो चुकी है, उससे हम कुछ फ्री चैनल देख सकते हैं। तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है 2020 से लेके 2024 तक के मॉडल के अंदर अवेलेबल है, और इसको हम डाउनलोड करेंगे एल जी कंटेंट स्टोर से, जो कि टी वी का खुद का स्टोर है। जो पुराने मॉडल हैं उनमें एल जी कंटेंट स्टोर आएगा, और जो नए मॉडल हैं उनमें ऐप स्टोर आएगा। तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और ये फ्री चैनल आपके वाईफाई के थ्रू काम करेंगे। अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा है तो ही इसे देख पाएंगे। तो ये एल जी कंटेंट स्टोर मैंने ओपन कर लिया है। वैसे तो इंटरफेस सामने ही आ जाता है उसका, लेकिन नहीं है तो आप सर्च पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे। एप्लीकेशन का नाम है एल जी चैनल्स, तो एल जी चैनल्स को आप सर्च करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट आपको ऐप्स के अंदर दिखा रहा है, यहाँ पे ऐप्स है ना, यहाँ पे आपको एल जी चैनल को डाउनलोड करना है टी वी के अंदर। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ऐप स्टोर है और आपने उसका साइन इन नहीं किया है तो पहले आपको साइन इन करना है और फिर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अगर साइन इन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि आप अपने टीवी का साइन इन कैसे करेंगे। आप साइन इन करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लॉन्च कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ये टाइम लगाएगी, उसके बाद ये ईजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके ऐप लिस्ट में ही शो करेगा एल जी चैनल। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। अब ये चैनल फाइंड कर रहा है, इसमें टोटल 21 चैनल फाइंड होंगे अभी। ये देखिए, अभी ये आपका चैनल डाउनलोड हो गया, और ये चैनल है एनडी टीवी 24x7। और ये रिमोट में जो चैनल वाला बटन होता है यहाँ साइड में, इधर वॉल्यूम इधर चैनल, चैनल वाले बटन से ही इसके चैनल चेंज होंगे। अब ये इंडिया टीवी लाइव आ रहा है, ऑलमोस्ट न्यूज़ चैनल तो इसमें आपको सारे मिल ही जाएंगे, बाकी और चैनल इसमें चेक करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं। TV9 ऐसे इसमें आपको फ्री चैनल मिल जाएंगे जिसमें आपको सेटअप बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका एल जी चैनल ऐप, जो कि मैंने अभी बताया डाउनलोड करी है, और वो हमारा जो है ऐप लिस्ट के अंदर यहाँ पे शो हो गई है। तो आप यहीं से क्लिक करके डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं। कॉर्पोरेटर पर तोड़ कर